लोग के पास इस सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म चार यूनिट का पूरा सिलेबस है सिलेबस आप लोग चाहे डाउनलोड कर सकते हैं या मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा और पिछली क्लास में हमने एक जो इंट्रोडक्टरी हुआ था उसमें बताया था कि इस बार जो मॉडिफिकेशन होने के बाद जब सिलेबस बना है तो आप दूसरा बैच है जो सिलेबस को पढ़ रहे हो और इस सिलेबस की सबसे खास बात यही है कि ये सिलेबस जैम के एग्जाम और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है कि और याद रखिए जैम के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं जैम को मिला करके जितने भी एग्जाम होते हैं एमएससी के लिए उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म या मोटे तौर पर इलेक्ट्रो डायनेमिक्स को कहते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर आपको समझने जरूरी है सो so, पहली यूनिट है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो बेटो दो पार्ट है एक तो है इलेक्ट्रो दूसरा है स्टैटिक 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 तो तो मतलब होता होता है है रेस्ट रेस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट में होता है, तो उसको हम कंडीशन कहते हैं इलेक्ट्रो मतलब आप मान सकते हो चार्ज की बात हो रही है तो इस यूनिट में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है या रेस्ट कंडीशन में होता है उसकी वेलॉसिटी निगलिजिबली रहती है उस समय उसके व्यवहार कैसा होता है ओके सो आई एम डॉक्टर राम गोपाल सिंह जो मैं आपको ये क्लास बता रहा हूँ और uh, शुरू करते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास जैसे हम लोग नाम सुने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक वर्ल्ड जो आया है तो हिस्टोरिकली ये इलेक्ट्रिक वर्ल्ड इलेक्ट्रॉन वर्ड से बना है इलेक्ट्रॉन जैसे आप ये देख सकते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड में था और इसका मतलब होता है एम्बर एम्बर आप मान सकते हो गू जैसे uh, हम लोग गूगल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना वगैरह में जलाने वगैरह में तो वैसे ही पेड़ की रस से एक पदार्थ बनता है जिसको हम एम्बर कहते हैं गूगल जैसा ही होता है वो तो उसको क्योंकि शुरुआत में जो प्रयोग हुए थे उसमें ये था कि लोगों ने देखा कि एम्बर की रॉड ले ली और फिर उस एम्बर की रॉड को किसी कपड़े पर सिल्क के कपड़े पर रेशमी कपड़े पर या ऊनी कपड़े पर रगड़ के जब उसको देखते थे तो हम क्या पाते थे कि अगर दो एम्बर की रॉड ली है तो उनको हमने सिल्क से रगड़ा तो देखा कि वो एम्बर की रॉड एक दूसरे को रिपल करती है या ग्लास की रॉड ले लें तो ले अट्रैक्ट करती हैं ये शुरुआती प्रयोग की बात हम कर रहे हैं तो क्योंकि शुरुआत में एम्बर से प्रयोग किए गए थे और एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो वहीं से वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रो ये सारे वर्ड उसी ओरिजिनेशन के हैं आप देखो इस फिगर को देखो इस फिगर में ये एक ऐसा प्रयोग है जो एक खेल की तरह से आप सबने किया होगा जैसे अगर हम किसी कपड़े में एक रूलर ले लें इसके ले लें प्लास्टिक की और उसको हम रगड़े तेजी से जब हम तेजी से रगड़ते हैं उसके बाद कुछ कागज के टुकड़े हम ले लें तो जब हम कागज के टुकड़ों के पास उस रूलर को लेके आते हैं तो रूलर जो होता है वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है रूलर ही नहीं कोई भी प्लास्टिक का आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है मतलब चाहे पेन ही ले लें अगर हम इस पेन को ही ले लें तो पेन को ही अगर हम तेजी से अपने बालों पर रगड़ें और फिर कागज के टुकड़ों पर टच कराएं तो हम देखेंगे कि कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक बड़ा ही बेसिक तो खेल की तरह से होता है बचपन में लेकिन इसके पीछे एक बहुत बेहतरीन फिजिक्स काम कर रही है और ये फिजिक्स हमारे चार्जेस के बैलेंस इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है जरा समझो बात को जैसे आप सूखा उसको जब आप कागज लेते हो एक सूखा कागज उसको जब आप फाड़ते हो तो आपको वहां आवाज सुनाई पड़ती है कागज के फटने की आवाज सवाल ये होता है कि आवाज क्यों प्रोड्यूस हो रही है तो उसका जवाब यह है कि जो कागज है जो सेलुलोज स्ट्रक्चर उसके अंदर बने हैं तो जिस समय हम उसको फाड़ रहे होते हैं उस समय उसके बॉन्ड टूट रहे होते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हो बॉन्डो के टूटने की आवाज है आप ये जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं इन बॉन्डो की वजह से जो कागज के टुकड़े होते हैं उनकी जो एज होती है अगर कागज फाड़ के देखो तो कागज के जिन सिरों से फटता है वहां बारीक बारीक रेसे होते हैं तो वो आप मान सकते हो कि वहां पर जब बॉन्ड टूटे होंगे तो चार्ज कुछ इम्बेलेंस रह गए होंगे कहीं ज्यादा आ गए होंगे कहीं से खिंच गए होंगे कम हो गए होंगे तो कागज फटा हुआ जो कागज होता है उसका जो टुकड़ा होता है ऐसे कागज का टुकड़ा है तो ये जो टुकड़े होते हैं यहाँ बारीक बारीक रेसे जैसे होते हैं आप मान सकते हैं कि इन रेसे नुमा स्ट्रक्चर पे वो जो चार्ज होता है वो वहां पर इम्बैलेंस रहता है अब दूसरी तरफ आपने एक प्लास्टिक की रॉड ले ली इस प्लास्टिक की रॉड को आपने कपड़े से रगड़ा तो कपड़े से रगड़ने पर यहाँ पर भी इसकी सतह पर भी कुछ चार्ज का इम्बैलेंस आ गया जैसे ही आप इन दोनों को एक दूसरे की तरफ लाते हो तो हम क्या जनरली देखते हैं कि अट्रैक्शन यहाँ पर महसूस होना शुरू हो जाता है एक अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है और इसी अट्रेक्शन की वजह से ये जो कागज के टुकड़े हैं ये इस स्केल के ऊपर चिपकना शुरू हो जाते हैं तो कागज पर इस, कागज के टुकड़ों का स्केल चिपकना इसी चार्ज अट्रैक्शन का ही खेल है जो कि बाडो के टूटने और इम्बेलेंस होने से होता है तो यहां आपने देखा है कि फिगर में आप देख रहे हो कि जब रब करते हैं तो हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो रूलर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो पेपर के टुकड़े होते हैं उनको ये रूलर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है क्योंकि जो एज ऑफ पेपर जो होते हैं वहां पर कुछ चार्ज का इम्बेलेंस होता है जब हम सबको फाड़ रहे होते हैं कागज को फाड़ रहे होते हैं अच्छा शुरू में क्या किया गया प्रयोग दो तरीकों से आप करके कर देख सकते हैं मान लीजिए प्लास्टिक की रॉड है तो आप ऐसा करिए प्लास्टिक की एक रॉड लीजिए या स्केल ले लीजिए और उसको किसी सूती कपड़े या रेशमी कपड़े पे आप उसको रगड़ दीजिए जैसे आप रगड़ोगे तो हम ये कहेंगे कि उस पर निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए और फिर हमें उसी तरह के दूसरी प्लास्टिक की रॉड लें जिसको रगड़ करके हमने बड़ी सावधानी से एक धागे से अटका दिया है हवा में अब क्या होगा जब अपना प्लास्टिक का टुकड़ा इस दूसरे लटके हुए प्लास्टिक के टुकड़े के पास ले जाओगे तो आप देखोगे दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं ऐसे ही अगर आप कांच का टुकड़ा ले कांच एक रॉड ले टेस्ट ट्यूब ले लें और उसको ऊनी कपड़े के साथ रगड़े और एक दूसरा कांच का रॉड ऊनी कपड़े के साथ रगड़ करके आपने धागे से लटका रखा है और जब इन दोनों एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों कांच के रॉड भी एक दूसरे को रिपल कर रही है तो प्लास्टिक की स्केल को हमने जब रगड़ करके इस तरह से प्रयोग किया तो भी रिपल्सन हुआ यहां भी रिपल्सन हुआ लेकिन अगर आप इस प्लास्टिक के टुकड़े के पास ग्लास लेके आओगे तो यहाँ अट्रैक्शन होगा आपको लगेगा कि ये जो प्लास्टिक का स्केल है घूम के रॉड की तरफ कांच के रॉड की तरफ आ रही है क्या कारण है इसका इसका कारण ये है कि जिस समय हम इन प्लास्टिक है कांच है इनका बेसिक स्ट्रक्चर तो अलग अलग है जब हम इनको किसी कपड़े से या सूती कपड़े से रगड़ते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है ठीक है तो चार्ज जो होते हैं वो एक जो कांच की रॉड है जो प्लास्टिक की रॉड है उसपे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है और इसी वजह से चार्ज या तो नेगेटिव टाइप या तो या तो रॉड प्लास्टिक पॉजिटिव टाइप के रॉड को पॉजिटिव टाइप के चार्ज को अपने पास ज्यादा ले लेती है या एक दूसरी रॉड नेगेटिव टाइप के चार्ज को अपने ऊपर ज्यादा ले लेती है तो हम ये मान सकते हैं कि प्लास्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जब रगड़ते हैं उसको हम कपड़े पर तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और जब हम ग्लास को रगड़ते हैं उन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं लेकिन दूसरी रॉड जो कि पहले से पॉजिटिव चार्ज है जैसे दोनों पास आते हैं रिपल करते हैं तो जो हम पहले कह चुके हैं कि चार्ज के पास दो तरह का व्यवहार है वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है तो इन्हीं दो तरह के व्यवहार से दो तरह का एक ऑन नेचर दिखाई पड़ता है अगर सेम टाइप के चार्ज आप एक दूसरे की तरफ लाओगे तो वो चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे लेकिन अगर आप अपोजिट चार्ज को एक दूसरे की तरफ लाओगे तो वो इसको अट्रैक्ट करेंगे ये अभी हमने क्या होता है वो देखा है अगर आप यहाँ सवाल पूछोगे आखिर ऐसा क्यों होता है तो यकीन मानिए सवाल टेंथ लेवल ट्वेल्थ लेवल या बी एस सी एमएससी लेवल पे आंसर करने वाला क्वेश्चन नहीं है आज भी हमारे पास फील्ड थ्योरी है बहुत सारी एडवांस थ्योरी है जो कि इन मूलभूत प्रश्नों के जवाब दे रही हैं कि ऐसा क्यों होता है ऐसा ही क्यों होता है तो हाल फिलहाल हमें यह समझना है कि सेम चार्ज रिपल कर रहे हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं आगे देखेंगे और थोड़ा डीप में इसके जाएंगे तो अब हमारे पास क्या हुआ चार्ज सम मोर एडिशनल प्रॉपर्टीज हम चार्जेस की कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक रूल है कि चार्जेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ये बहुत ही जरूरी चीज है आपको समझनी चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकते चार्जेस आर कंजर्व इन दिस यूनिवर्स द चार्जेस आर कंजर्व जितने चार्ज हैं वो सब कंजर्व है हाँ ये है कहीं अपियर हो कहीं से हो वो तो संभव है लेकिन आपने कहा डिस्ट्रॉय हो गया दिस इज नॉट पॉसिबल या क्रिएट हो गया दिस इज नॉट पॉसिबल वो अपीयर हो सकते हैं डिसअपियर हो सकते हैं आपके सामने से गायब हो गए तो आपने कहा वो डिस्ट्रॉय हो गया ऐसा नहीं होगा आपके सामने आप उसको डिसअपियर कहो यानी आप किस आंखों से ओझल हुए हैं लेकिन वो हैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर यूनिवर्स की बात करें तो तो जब हम कांच की रॉड को या प्लास्टिक की रॉड को ऊन से या रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि इन प्लास्टिक की रॉड पर या कांच की रॉड पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं वो तो क्रिएट हो ही तो नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या तो निश्चित होती है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते दूसरी दूसरी बात भी सही है जब हम कपड़ों से इन प्लास्टिक को या कांच को रगड़ रहे होते हैं तो सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर होता है चार्ज ट्रांसफर करता है और उसी ट्रांसफर होने की वजह से सरफेस पर जो चार्ज का बैलेंस था वो बिगड़ जाता है बिल्कुल वैसा है जैसे समझ तो लो कि आ, जैसे हमारे पास एक चौक है ने चौक लिया अब हमारे पास ये चौक है ये बिल्कुल स्मूथ है जैसे तो आप देखें ये चौक है बिल्कुल स्मूथ है अब हम क्या करें एक सैंड पेपर लें और सैंड पेपर से इसको रगड़ दें जैसे हम सैंड पेपर से इसको रगड़ेंगे तो यहां से जो कैल्सियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल है वो यहां से हट जाएंगे तो यहाँ एक खुदरापन आ जाएगा ठीक है अब एक खुदरापन आ जाएगा अब उस खुदरेपन की वजह से अगर इस चार्ज को हम किस सरफेस पे खिसकाना चाहेंगे तो रफ चलेगी ये रफनेस इसमें आ जाएगी उसी तरह से हम जब किसी कांच की रॉड या प्लास्टिक की रॉड को कपड़े से रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो उस दौरान उसपे चार्ज का इम्बैलेंस आ जाता है अब देखें तो ड्यूरिंग द रबिंग द चार्जेस आर जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम मीडियम का मतलब है कपड़े से या तो प्लास्टिक पे चले जाएंगे या प्लास्टिक से कपड़े से पे आ जाएंगे जिसकी वजह से उसपे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो हमेशा जीरो होता है एल्जेब्रिक सम होने का मतलब क्या है जैसा समझ लो इसे मान लीजिए कि हमने प्लास्टिक को रेशमी कपड़े पर रगड़ा तो प्लास्टिक पर एक्स अमाउंट का निगेटिव चार्ज आ गया तो ये प्लास्टिक पे आ गया तो इसका मतलब है एक्स अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कपड़े पे चला गया होगा अब आप, आप अपना प्रयोग प्लास्टिक के साथ कर रहे हो तो आपने कहा देखो भाई हमारे प्लास्टिक की जो रूलर है वो निगेटिव चार्ज हो गया लेकिन कपड़े को देखो तो कपड़े के पास भी तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही आ गया तो जब इन दोनों का सम करोगे तो ये जीरो होगा तो पूरी प्रोसेस आपने प्लास्टिक की रॉड और कपड़े से की है इसलिए दोनों बॉडीज पर जो टोटल सम होगा चार्ज का दैट मस्ट बी जीरो यही यहाँ पर कहा गया है एलजेब्रिक समेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ड्यूरिंग एनी सच प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा एलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है अब देखिए अब यहां से हमारे पास निकल के आता है इसी लॉ को हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस चार्ज के संरक्षण का नियम है बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम है वैसे ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तो इसको स्टेटमेंट इस के फॉर्म में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि द नेट अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी प्रोसेस इज जीरो नो प्रोडिक्शन मतलब प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते या कह दो जीरो प्रोड्यूस होगा तो जो पहले हमने कहा कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड उसी चीज को कहने का तरीका है कि द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनी प्रोसेस इज जीरो इसीलिए याद करें इलेवेंथ में जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते थे किसी भी तरह केमिकल रिएक्शन इवन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वहां आप जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को उस केमिकल इक्वेशन को तो आप लेफ्ट साइड के चार्ज और राइट साइड के चार्ज को सबसे पहले बैलेंस करने कहा जाता है

क्वांटम मैकेनिक्स क्वाटोमैकेनिकाइज होते हैं क्वांटाइज मतलब होता है एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित हिसाब से हो जैसे ये हमारे पास आप देख रहे हो कि जितने भी ब्लॉक यहाँ बने हैं दे ऑल आर ऑफ सेम साइज तो आप इस साइज को इसके क्वांटाइज साइज कह सकते हो यानी कि इस पेपर पर इस स्क्रीन पर जितने भी ब्लॉक बने हैं वो ब्लॉक एक निश्चित साइज के हैं और वो जो एक साइज उसको हमें क्वांटाइज साइज एक फिक्स साइज कहेंगे तो यहां पर कहा गया है कि जब जब चार्ज फ्री स्टेट में होता है तो हमेशा क्वांटाइज होता है और उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है एक कम से कम मात्रा होती है यहां आपको ये वर्ड अगर अटक खटक रहा है तो जरा इसको समझिएगा ध्यान से इसका मतलब क्या होता है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्री स्टेट E तो अपनेट में ये बताया था कि चार्ज की जो वैल्यू है जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू उन्होंने आज की डेट में हम कुलाम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू उस समय सीजीएस सिस्टम में थी उसको अगर हम में, केस में कन्वर्ट करें तो ने अपने एक्सपेरिमेंट में साफ साफ बताया था कि हमेशा जो चार्ज होता है उसकी यूनिट मिनिमम चार्ज होता है 1.6 टू पावर होता है और फिर उन्होंने आगे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस वन पॉइंट सिक्स टू पावर नाइनटीन है और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम है अब यहां पर अब चूंकि आप लोग एक बड़ी क्लास में हैं तो यहां हम आपको बता सकते हैं कि ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है उनमें एक अंतर है उनमें डिफरेंस होता है मी शो यू द डिफरेंस सो इवन रिसेंटली रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें यह कहा गया है कि ये जो डिफरेंस होता है नेगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में ये डिफरेंस का ऑर्डर जो है वो टू पावर आई थिंक के लगभग का होता है तो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं होते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम नहीं होता है उसमें टेन टू पावर माइनस सिक्सटीन ऑर्डर का आई थिंक इस, इसके लेवल का एक एक्सपेरिमेंटली एक डिफरेंस पाया गया है लेकिन प्रैक्टिकली पर्प पर टू पावर टेंसटीन कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे लिए हम हम बहुत ही प्रिसाइज तो इस 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 फैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं कि क्या निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है तो वहां हम ये चैलेंज कहेंगे नहीं बिल्कुल सेम नहीं है उनमें बहुत 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 छोटा अंतर कितना छोटा टेन टू पावर माइनस सिक्सटीन ऑर्डर का अंतर होता है लेकिन प्रैक्टिकली पर्पज के लिए हम दोनों को सेम मानते हैं अब देखिए यहां पर न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है उस पे कोई चार्ज नहीं होता अब आते हैं अपने फ्री स्टेट वाले कॉन्सेप्ट पर क्यों हमने कहा था कि फ्री स्टेट में चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और मिनिमम वैल्यू टू पावर माइनस 19 होती है क्योंकि अब हमारे पास मॉडर्न थ्योरी में हमारे पास एक पार्टिकल और है जिसको हम कहते हैं क्वार्क क्वार्क्स मॉडर्न स्टैंडर्ड मॉडल जो है एटम का वो ये कहता है पार्टिकल्स का कि क्वार्क से ही मिल करके ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन और इस तरह के हैवी पार्टिकल वगैरह बने हैं इलेक्ट्रॉन अपने आप में बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर और किस चीज से मिलकर नहीं बना है लेकिन बाकी जो हैवी पार्टिकल है, हैड्रॉन जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह आते हैं बेरियॉन जिन्हें आप कह सकते हो कई नाम है उनके तो उनके अंदर क्वार्क पार्टिकल होते हैं लेकिन ये क्वार पार्ट की सबसे खास बात क्या है कि इनके ऊपर पॉजिटिव उल्लंघन है चुके हैं कि जो मिनिमम चार्ज क्वांटाइज्ड पार्टिकल हमारे पास होता है मिनिमम चार्ज वो 1.6 पॉइंट सिक्स ट्वेंटू पावर माइनस नाइनटीन कुल यानी ई e के बराबर होता है बस क्वार्क के पास ये चार्ज फ्रैक्शन में होता है टू बाई थ्री वन बाई थ्री बहुत ही डिबेटेड टॉपिक था ये क्वार्क का चार्ज लेकिन आज ये प्रूफ हो चुका है एक्सपेरिमेंटली लेकिन यहाँ सबसे कैच पॉइंट क्या है कि ये जो क्वार्क होते हैं में सब बाउंड होते हैं हम क्वार्क को उस तरह से फ्री नहीं देखते जितना प्रोटॉन को फ्री देखते हैं जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को फ्री देखते हैं उस तरह से हम क्वार्क को फ्री नहीं देख सकते क्वार्क्स हमेशा प्रोटोनों uh, के अंदर या न्यूट्रॉनों के अंदर ही रहते हैं कुछ कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहां ये क्वार्क प्रोटोनों से बाहर आ सकते हैं लेकिन वो कंडीशन हमारे प्रैक्टिकल यूज की नहीं है क्योंकि ऐसे कंडीशन तभी बनती हैं जब ब्रह्मांड बन रहा होता है जिस समय ब्रह्मांड की बनने वाली स्थिति टेम्परेचर प्रेशर की होती है उन्ही विशेष स्थितियों में ही ये क्वार्क बाहर रहते हैं फ्री हो पाते हैं और ऐसी स्थिति हम नहीं देखते हैं अपने आम जीवन प्रैक्टिकल पर्पज में तो हम अपने प्रैक्टिकल पर्पज के हिसाब से कह सकते हैं क्वार्क्स के पास जो चार्ज है वो टू बाई थ्री ई या वन बाई थ्री ई होता है जो कि चार्ज के क्वांटाइजेशन का उल्लंघन है लेकिन ये बाउंड स्टेट में होता है इसीलिए अगर आप ये स्टेटमेंट देते हो कि फ्री स्टेट में चार्ज हमेशा ई की वैल्यू के बराबर होते हैं तो आपकी बात सही है कोई आपसे कहे कि भाई क्वार्क पे तो चार्ज टू बाई होता है वन बाई थ्री ई होता है टू बाई थ्री ई होता है तो आप कैसे कह सकते हो कि मिनिमम चार्ज ई है तो आप वहां कहेंगे कि क्वार्क्स बाउंड होते हैं तो बाउंड के साथ तो हमारी डेफिनेशन नहीं है हमारी डेफिनेशन फ्री चार्जेस के साथ में ये देखिए डायग्राम है जैसे ये प्रोटोन की बात करें तो प्रोटोन में हमने दिखाया है आपको कि ये प्रोटोन के आप एक उसको स्पेरिकल माना है बाउंड्री का तो यहाँ कुछ क्वार्को से मिल बना है ऐसे न्यूट्रॉन है वो भी कुछ क्वार्को से मिलकर बना है अब ये क्वार्क जो हमेशा इन प्रोटोनों न्यूट्रॉनों के अंदर रहते हैं तो ये बाउंड में है और टू बाई थ्री चार्ज रख सकते

नियम पर जिसको कि हम नाम देते हैं कूलम्स लॉ कूलम लॉ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नियम है फिजिक्स uh, में और बहुत ही बेसिक लॉ के रूप में हम इसको जानते हैं देखिए ऑगस्ट कूलम जो थे ये एक एक बुद्धिमान जीव रहे हैं अपने समय के बहुत सारी फील्ड में इन्होंने काम किया है बहुत सारी चीजों को उन्होंने समझाया है एगोनॉमिक्स पे काम किया है मैग्नेटिज्म पे काम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम किया है कूलम ने कूलम जो चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट था इसको वो और अच्छे समझना चाह रहे थे और वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये जो चार्ज है ये आपस में किस कितना इंटरेक्शन करते हैं किस तरह का इंटरेक्शन करते हैं किस तरह का बल लगाते हैं ऐसा करने के लिए देखिए यहां पर आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये एक टॉर्जनल बैलेंस है तो यहाँ पर एक सस्पेंशन हेड लगा हुआ है और ये आप देख रहे हो इसमें एक बहुत ही किस्म का फाइबर तार लटका हुआ है और तार के एक सिरे पर ये एक डंबल डंबल शेप का ये बना हुआ है आप यहाँ देखो एक ब्लू निशान है एक बड़ा सा निशान है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर तो आप डायग्राम देखोगे यहाँ आपको एक ब्लू निशान दिखेगा और ये दूसरा सिर, सिरा है इसमें अब क्या किया गया है इसको किस तरह से चार्ज कर दिया कूलम ने फिर उसके बाद क्या किया एक जो रेड कलर का आप देख रहे हो ये एक दूसरा प्रोब है इसको भी उन्होंने चार्ज कर दिया और जो पहले से चार्ज ऑब्जेक्ट था और उसके सामने ये दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं अब क्या होगा जरा इसको मैकेनिक सिद्धांत समझो जैसे हमारे पास ये है वायर तो वायर के अंदर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की प्रॉपर्टी है ईटा इसके साथ हमने एक बैलेंस जोड़ रखा है तो इसपे कुछ तनाव है अब जब हम दूसरा चार्ज इसके सामने लाएंगे तो मान लो इसके पास प्लस था चार्ज था इसके पास प्लस चार्ज था आपने दूरी फिक्स कर दी या दूरी बढ़ा घटा रहे हो उस समय जैसे दोनों चार्ज पास आएंगे तो रिपल करेगा ये चार्ज इधर भागेगा इसको तो आपने होल्ड कर रखा है तो, तो रुका ही है जब ये घूमेगा इस तरफ उस समय उस समय क्या होगा कि ये जो तार है इसके अंदर एक ऐठन आना शुरू हो जाएगा इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा उस ट्विस्ट को हम मेजर कर लें और उस ट्विस्ट को इस तार की इलास्टिक प्रॉपर्टी के साथ यूज करके जैसे हम लोगों ने मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी का एक्सपेरिमेंट किया है बी एस फर्स्ट ईयर में लैब वगैरह में उन्ही तरह के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो तो मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के एक्सपेरिमेंट जैसा ही यहाँ पर होता है और उस आधार पर आप ये निकाल सकते हो कि कितना बल यहाँ काम कर रहा होगा जिसने तार में ये एठन भेजी है तो इस आधार पर कूलम ने बहुत बार प्रयोग किया आप सोच सकते हो चार्जेस की बात थी तो ये बहुत आसान प्रयोग नहीं थे कई बार किए बार मतलब अनगिनत बार उन्होंने प्रयोग किए और वो सारे प्रयोग कर करके करके -कर 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 वो कुछ बेसिक निष्कर्ष पे निकले इसीलिए कूलम लॉ क्या है कूलम लॉ हमारे पास तो एक, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है ये एक ऐसा नियम है जिसको कि कूलम ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इसको सीखा था तो इट इज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट लॉ है तो आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ चार्जेस एंड एक्सपेरिमेंटल लॉ विच इज रिलेटेड विथ द बिहेवियर ऑफ चार्ज हाउे हाउ दे अप्लाई फोर्स ओवर अदर चार्जेस ही मैग्निट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस जैसे हम लोग ने बात की है और पाया कि दिस फोर्स बिटवीन द चार्ज इन टॉर्जन बैलेंस इंस्ट्रूमेंट वाज वाज नॉट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने के कारण जो रहा था कि कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही डायनेमिक किस्म का फोर्स है चार्जेस आर वेरी टाइनी और वो बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स करते हैं तो दैट इज वाई उसको उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा देखिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखा है तो कुलम के लॉ का स्टेटमेंट है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस ओके पॉइंट चार्ज का भी कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एज रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निट्यूड ऑफ चार्जेस एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम पर अगर दो चार्ज हमारे पास सपोज प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस तो दो चार्ज हम लेंगे इनको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे एट रेस्ट रुके हुए हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके बीच का जो बल है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यानी q1 ये जो q और ये जो माइनस q है इनके

और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया तो ये लॉ हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे हटेगा वैसे हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे के। के इज इस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो यहां से ये आप देख रहे हो कि अगर लार्ज है चार्ज अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बड़े बड़े चार्ज है हाई वैल्यू के चार्ज है तो उनके बीच का फोर्स भी लार्ज होगा और अगर वो दोनों चार्ज एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम होगा और स्क्वायर होने की वजह से ये फोर्स जो है वो तेजी से घटेगा इससे तो लेकिन जैसे आर टू रखोगे तो एफ की वैल्यू हो जाएगी वन बाई फोर हो जाएगा क्योंकि टू का स्क्वायर है ऐसे ही अगर आर की वैल्यू थ्री रख दोगे तो एफ की वैल्यू जो होगी वन पॉइंट नाइन हो जाएगी तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें यहां आर लें वन टू थ्री तो यहां पर क्या होगा कि जब आर जीरो था तो फोर्स इंफिनिटी था आर वन है तो फोर्स वन है आर टू है तो और चौथाई हो गया एक बुटा नौ हो गया तो इस तरह से फोर्स तेजी से घटता है और जो घटने का तरीका है वन बाई आर स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में घटने वाला बल होता है लेकिन सबसे खास बात है एफ जीरो कब होगा जब आर इन्फिनिटी होगा यानी कि आप इस ग्राफ में आगे बढ़ाओगे तो ये वैल्यू जीरो को टच करेगी कब जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी इसीलिए इसको लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं बताएंगे इस बात को आगे बात करेंगे अब देखिए यहां पर तो ये जो कांस्टेंट है जो के वैल्यू हमने ली है जो कांस्टेंट कह रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट ऑफ फोर्स यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड द यूनिट ऑफ चार्ज एंड ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ मीडियम तो जो के की वैल्यू है ये यूनिट पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम यूनिट के आधार पर डिफाइन करते हैं सीजीएस सिस्टम जिस समय काम कर रहा था जिस समय हम फोर्स को अर्ग में नापते थे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में नापते थे कूलम चार्ज को नापने के उस समय पास को यूनिट नहीं थी उसमें एक नया था तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते थे चार्ज को नापने के लिए जिसको कि आप किताबों में ई के नाम से जानते हैं तो पहले हमारे पास ई इस तरह की यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो उस समय जो के की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी वो वैल्यू थी वन पॉइंट जीरो 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 लगभग लगभग इसको हम एक मानते थे और ये वो समय था जिस समय फोर्स को हम डाइन में नापते थे अर्ग नहीं था सॉरी मैं अर्ग बोल गया था तो जब हम डाइन में फोर्स को नापते थे उस समय हमने के की वैल्यू को वन नापा वैल्यू किया था और उस समय हमारे लिए आर की जो वैल्यू थी डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में नापी जाती थी तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उस प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट ऑफ एफ पे डिपेंड करती है यूनिट ऑफ आर पे डिपेंड करती है यूनिट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है और साथ ही साथ उस मीडियम पे डिपेंड करती है जिस मीडियम में चार्ज रखे गए हैं मतलब जैसे आपने ये देखा यहां पर अब मान लो कि ये जो हमारा चार्ज है वो यहां पर ये जो चार्ज है वो किसी ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जिसको हमने इस ब्लू लाइन से दिखा दिया तो ये हमारा मीडियम है तो अब इस मीडियम की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो कलर आप देख रहे हो ये आ, ब्लू कलर जो है स्काई सी ब्लू ब्लू अब इस ब्लू कलर की के अपनी कुछ प्रॉपर्टी है तो इसीलिए जो के वैल्यू होगी वो के की वैल्यू इसके हिसाब से होगी लेकिन मान लो इसका आपने मीडियम चेंज कर दिया आपने इसको किसी और मीडियम में कर दिया तो जैसे आप इसका मीडियम चेंज करोगे तो मीडियम के चेंज होते ही वहां पर k की वैल्यू पे भी असर पड़ेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है तो k की वैल्यू को डिपेंड किस पे किस पे डिपेंड कर रहा था यूनिट ऑफ f पर यूनिट ऑफ r पर यूनिट ऑफ k पर और डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ द मीडियम पर अब क्या हुआ सीजीएस यूनिट धीरे धीरे उसकी यूनिट्स की आ, को मॉडिफाई करना शुरू किया गया आप लोगों ने इलेवेंथ में पढ़ा है एमकेएस सिस्टम डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम तो 1960 में 1960 के करीब लोगों ने एक एक मीटिंग हुई जिसमें कि वर्ल्ड वाइड जो फिजिस थे केमिस्ट थे वो सब लोग इकट्ठा होते हैं और वो सब एक यूनानिमसली एक सर्वमत होकर के एक सिस्टम का चुनाव करते हैं जिसको हम आज की डेट में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम या एम सिस्टम कहते हैं तो एम सिस्टम का वो सभी लोग मिलकर चुनाव करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब से जो किताबें लिखी जाएंगी जो रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा उन डॉक्यूमेंट में हम आ, वेट को आ, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर का और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड का इस्तेमाल करेंगे तो उन्नीस के बाद जो लिटरेचर आ रहा है 1960 के बाद के जो रिसर्च पेपर या जो डॉक्यूमेंट बने हैं उनमें हम एम के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और उससे पहले की जो किताबें हैं उससे पहले का जो लिटरेचर है वहां आपको सीरियस सिस्टम में चीजें दिखाई पड़ जाएंगी इसीलिए बहुत सारी किताबें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक की जिसमें आपको सीजीएस सिस्टम में चीजें बनेंगी क्योंकि ये उसके ऑथर है उन्होंने उसमें लिखी थी उन्नीस के पहले या साठ पैंसठ के लगभग उन्होंने लिखी थी तो सीजीएस में वो लिख के चले गए और अब उनको हम एम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक कंसेप्ट है अब यहां बहुत जरूरी है जानना कि आखिर जो k की वैल्यू है वन पाई कहां से आ गई ये कैसे एकदम से रैंडमली कूद पड़ा कि के वैल्यून अपॉइंट फोर नॉट ही होगी बड़ा अजीब लगता होगा सोचना सोचिएगा कभी आपने की एफ इजिकल टू वन अपॉइंट फोर नॉट क्यू वन टू बाई आर स्क्वायर अचानक से वन अपॉइंट फोर फाइव एफसेलन ही क्यों आ गया तो इस इसके आने का जो मुख्य कारण है वो उसी मीटिंग के दौरान जो लिए गए डिसीजंस थे उनके आधार पर आया है

तब तक पानी वानी पी लीजिए आप लोग